हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। वेल, बॉलीवुड के दबंग खान की फिल्मों से ज्यादा वो खबरों में रहते हैं अपनी शादी को लेकर। जी हाँ, उनके सारे फैंस से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के सारे सेलिब्रिटीज यही जानना चाहते हैं कि आखिर सलमान कब करेंगे शादी। और इसी का खुलासा करने के लिए हम आपके साथ लेकर आए हैं आज का प्रोग्राम, जिसमें सलमान आपको बताएंगे कि वो कब करने वाले हैं शादी, और साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे होने वाला है फर्स्ट लुक उनके अपकमिंग शो 10 का दम का। तो चलिए सीधा और हमारी रिपोर्ट में देखिए कि कैसे होने वाली है सलमान की एक बार फिर से छोटे पर्दे पर वापसी, और क्या ये प्रोग्राम उनके पुराने शो यानी कि बिग बॉस से ज्यादा हिट हो गया या नहीं, ये सब हम आपको दिखाएंगे आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। हाँ, मुबारक हो, आप जीत चुकी हैं पहला राउंड नॉकआउट राउंड, और आप मेरे साथ खेलेगी हमारा अगला राउंड, जो कि हम उसे बुलाते हैं 10 गुना दम। जितने भी गुना कमिट करने हैं यहाँ पर, मैक्सिमम 5 अलाउड हैं, वो आप यही कर सकते हो। ऑल गुनाज हियर, नो गुनाज आउटसाइड एनीवेयर, ओके। ये गुना जो करोगे वो फायदे में रहोगे। इसमें आपको 2 लाइफलाइन मिलती हैं। तो जो एक्चुअल एपिसोड का मैं आपको बता रहा हूँ, सो गौर से सुनिएगा। तो सो एक्चुअल एपिसोड में, इस राउंड में देखो, 5 सवाल हम आपसे पूछेंगे। अब आपकी पूंजी है 60,000 रुपये, 60,000। सो पहले सही अनुमान पर आपको आपकी पूंजी 2 गुना बढ़ेगी, दैट मीन्स 120। दूसरे सेकंड अनुमान पर 240, 4 गुना, फिर 6, 4 गुना तो 480, 360, 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना और 10 गुना। सो 120, 240, 360, 480 एंड 6 लाख। बट इंडिया मीटर पर जो अनुमान वाली खिड़की है, अब एक खिड़की आएगी, रेंज आएगा, जो अनुमान वाली खिड़की है वो हर सवाल पर 10% छोटी होती जाएगी। सो पहले सवाल पे है 50% की खिड़की, सेकंड पर है 40, थर्ड पे है 30, चौथे पे है 20 एंड 5वें पे है 10% की खिड़की। ओके, अच्छा 5, ओके। नाउ जैसे आपका तीसरा अनुमान सही लग जाता है तो आपका सुपर सवाल खुल जाएगा। सो इन दैट आप आपके इस राउंड की पूंजी को 10 गुना बढ़ा सकती हैं। अच्छा, इस राउंड में आप यू कैन टेक मदद ट्वाइस, 2 बार आप मदद ले सकती हो। एक आप ऑडियंस की मदद ले सकते हो, जिसका नाम है अंदाज़ा अपना अपना, लिफ्ट इट फ्रॉम अंदाज़ा अपना अपना। एंड दूसरा है दमदार दायरा, आई डोंट नो वेयर दैट इज कम फ्रॉम, बट इट्स स्टिल दमदार दायरा। दमदार दायरा कैसे लेंगे? दमदार दायरा मैं आपको समझाता हूँ। सो वो जो 100% में से है, हाँ, वो 30% का हिस्सा या हिस्से, एक ऊपर का या ऊपर नीचे का, वो बंद किया जाता है। सो देन योर रियल रेंज इज 70%, और जो भी जहाँ पे भी आपने लिया है, जैसे आपकी 20% की खिड़की, तो आप वो वहाँ पर खेलोगे। एंड जो राइट जो जवाब है, हाँ, उसी दायरे में, 70% के दायरे में होता है। ओके, सो बेसिकली जस्ट वन हेल्प, लाइफ लाइन हेल्प फॉर यू। ओके, सो एक इस राउंड का सिर्फ एक आइडिया देना है, तो 5 के बजाय हम सिर्फ 1 सवाल पूछेंगे, ओके, जो कि 5 के बराबर। लाइफलाइन, हाँ, कैन आई यूज, आप इसमें दोनों लाइफलाइन ले लो, ओके। पचास प्रतिशत की खिड़की भी है, और एक वो अंदाज अपना अपना, जो कि इन सब के पास वोटिंग पैड्स है, वोट करेंगे एंड इट विल गो अप, यू कैन सी दैट। और फिर यू कैन टेक आल्सो दमदार दायरा,
रेडी? तो सवाल आपका बड़ा ही पेचीदा है. वो सवाल ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों का मानना है कि अशिक्षा देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. What percent of Indians believe that lack of education is the biggest challenge our country is facing? Sir, I'll use damdar daira. पहले आप rough अनुमान लगा लीजिए. Rough लगा लिया. लगा लिया. तो you don't have to set it, but thinking क्या? Okay, घुमाया. घुमा लीजिए. Thinking क्या आपकी? अच्छा प्रतिशत पोल्स पैड्स नहीं दिए आप लोगों को. सो डजंट मैटर. वहां से चिल्ला देना आप लोग. सर वो दोनों घूम रहा है. अच्छा हाँ वो क्योंकि दैट वो खिड़की है ना. ओके हाँ तो 50 का रेंज है. सो इफ यू ऑन नीचे का 5 देन ऊपर का 55 आता है. आई वांट 55 55. सो दैट्स 50% का. सो आपने एक रफ अनुमान लगाया है 5% से लेके 55%. No, 55% Indians think that lack of. हाँ तो then 55% अगर Indians thinking है तो आप इसको ऊपर लेके जा सकते हो. okay? अगर 45 हो या 75 हो ये तो 50% की खिड़की के अंदर आपको वो खेलना है. बीचों बीच आना है. से फॉर एग्जाम्पल आपने आपका सर 55% करेक्ट. अब आपने 55 लगाया है और 60 आंसर आता है या 70 आता है या 80 आता है या सो देन You take this up. So then, जैसे कि अगर आपने लगाया 30% से लेके 30, 40, 50, 60, 70, तो then you covering that whole range. But I want this is my accurate answers. हाँ. Should I take it up? आपके हिसाब से accurate answer क्या है? 55 to 60 करेक्ट. हाँ अगर 60 आए तो आप हार जाओगी जबके पास आपके पास 50% की खिड़की है. सो इफ यू थिंक दैट इट विल बी 55 एंड अबव और इट विल बी 40 to 70 तो देन यू कैन कीप इट फ्रॉम 35 to 75 ऐसा. So what percent of Indians believe that lack of education is the biggest challenge our country is facing? आपको क्या लगता है? Lack of education है? Lack of education का problem है हमारे देश में? सबसे major problem. Lack of education का problem तो यही है. गलत education का भी बहुत बड़ा problem है. कि एजुकेशन तो मिल जाता है पर गलत पढ़ाते हैं. लेकिन गलत एजुकेशन इज वर्स देन लैक ऑफ एजुकेशन. सो द एजुकेशन अगर मिले तो फिर सही एजुकेशन मिले. लाइक एक कंटेस्टेंट आई थी यहाँ पर जो पढ़ी लिखी नहीं है वन मदर बट हर एजुकेशन व्हाट शी इज लर्न फ्रॉम लाइफ इज फिनोमिनल. जो उसने बच्ची को पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया उसने इट इज फिनोमिनल. तो बच्ची माँ से पूछती थी जो कि एजुकेटेड नहीं. इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मदर टू बी एजुकेटेड सो दैट द या बट एजुकेशन आल्सो डजंट मीन दैट क्वालिफिकेशन का एजुकेशन. या इट आल्सो मींस दैट नोइंग व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. या दैट्स मॉरल. सो आपने 15% से लगाया है 65% पर. आए देखें सेट ने किया आपने. हाँ सेट के लिए वो नीचे वाला. यू श्योर क्या आपको 15 से 65 पे जाना है? वेल तो देखा आप
आपने कि सलमान किस कदर हैं, अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और इसमें कोई बात नहीं है और कोई शक नहीं है कि आफ्टर ऑल सलमान है तो उनकी ही मर्जी चलेगी कि वो शादी करे या ना करे या फिर वो कब करे। वेल, आज आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा हमें नीचे दिए कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और अगर आपको क्या लगता है कि सलमान का ये वाला शो बिग बॉस से ज्यादा हिट होने वाला है तो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ।